हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी वाले टॉपिक में हम लोग कवर कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई, राइट। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कम टाइम में तुम्हारा काम अच्छे से सप्लाई समझा दूंगा। तो जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है टास्क। तो जब सप्लाई ऑफ सर्विस दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस को प्रोविजन भी बोलते हैं, डेट ऑफ इन्वॉइस जिस दिन बिल भरा, पेमेंट किया जिस दिन, है ना। तो अभी तीनों में कौन सा डेट टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, राइट। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐसा कॉपी कर दिया, राइट। तो अभी अपन चेक करेंगे इन्वॉइस इन टाइम, टाइम पे हुआ है तो यस लिखेंगे, अगर टाइम पे नहीं हुआ है तो नो लिखेंगे। तो कैसे मालूम पड़ेगा टाइम पे हुआ है कि नहीं हुआ? अपन क्या करेंगे, डेट ऑफ सप्लाई होता है जो प्रोविजन, उसमें 30 डेज ऐड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इनवॉइस से, अगर पहला हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो अच्छे से प्यार से समझा दो, ओके। तो अभी इधर ध्यान दो, ओके। ये 16/7 है, 7 बोलेगा तो क्या होता है, जुलाई, 16 जुलाई है। अभी इसमें मैं 30 दिन ऐड करूँगा, कितना दिन ऐड करूँगा, 16 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त होएगा, चलो 15 अगस्त, 30 दिन भी ऐड किया तो 15 अगस्त हो गया, ओके। कितना अगस्त हो गया, 15 अगस्त। और ये कभी हुआ, 19/7 को, इनवॉइस कभी हुआ, 19/7, 19/7 बोलेगा तो मतलब ये इसके पहले ही हो गया ना, मतलब 30 डेज ऐड करने के बाद ये डेडलाइन था और डेट ऑफ इनवॉइस डेट के पहले ही किया है, 30 दिन के बाद जो डेट उसके पहले ही कर लिया, तो उसके लिए हम लोग इनवॉइस इन टाइम यस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यस, मतलब इस पर 30 दिन ऐड करना है, किस पे, ये सप्लाई पे। तो 30 दिन ऐड करके आया 15 अगस्त आया, और ये हुआ 19/7 को, मतलब अगस्त के पहले ही हुआ है, इसलिए इनवॉइस इन टाइम। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में जो सबसे छोटका है वो लेगा अर्लियर, दोनों में छोटा कौन है, 19/7 की 24/7, 19/7, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब जब दूसरा करूँगा और ईजी हो जाएगा, देखो 16/10 का सप्लाई था, तब इसमें 30 दिन ऐड करूँगा, तो 10 पे 30 दिन ऐड करूँगा तो 11 हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, और 30 दिन बोलेगा तो 6, सपोज हो जाएगा 6 नवंबर, कितना नवंबर होएगा, 6 नवंबर, 30 दिन ऐड करने के बाद 6 नवंबर होता है, पर ये तो 17 नवंबर को मिला, मतलब 6 नवंबर के बाद मिला ना, 30 दिन के बाद इनवॉइस हुआ, तो लेट हुआ ना, तो इनवॉइस इन टाइम हुआ क्या, नहीं, इसलिए नो लिखा। जब लेट हुआ ना, फिर इन दोनों में छोटा लेंगे, और जल्दी हुआ तो इन दोनों में छोटा लेना है, फिर इन दोनों में अर्लियर कौन है, 6/10 = 17/11 है, 6/10, तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इस तरह ढूंढना पड़ता है, बहुत बेकार है, ट्राई कर दे। 4/12 बोलो तो दिसंबर, अगर अपन इस पर 30 दिन ऐड करेंगे तो 30 दिन बोलेगा तो कितना हो जाएगा मालूम है क्या, 31 ना महीना रहता है, तो 3 जनवरी आएगा, ओके, 3 जनवरी आएगा, और अपने को मिला कभी इनवॉइस 3 दिसंबर को ही मिल गया, 12 बोले तो दिसंबर को ही मिल गया ना, 30 दिन ऐड करने के बाद 3 जनवरी आ रहा है, और मिला कभी दिसंबर में ही मिला, मतलब जल्दी मिला, यस, तो जल्दी मिला, तो इन दोनों में लेंगे, इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है ना, 3/12/2022। फिर से 10/1 10 जनवरी, 30 दिन अगर ऐड करेंगे तो 10 फेब हो जाएगा, या 9 फेब हो जाएगा, चलो 10 फेब हो जाएगा, कितना फेब हो जाएगा, नहीं, 31 का महीना होता है ना, तो 9 फेब हो जाएगा, ओके। 31 का महीना होता है जनवरी, तो अगर 30 दिन ऐड किया तो 9 फेब हो जाएगा, और ये 10 फेब को मिला, मतलब एक दिन लेट मिला है, देखो 30 दिन ऐड करने के बाद कितना आंसर आ रहा है, 9 फेब, और इन्वॉइस हुआ 10 फेब को, मतलब एक दिन लेट हुआ, तो इसलिए इधर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, लेट हुआ तो इन दोनों में छोटा लेंगे, राइट, इन दोनों में छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला डेट, तो ये डेट पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा जीएसटी का। अभी इसमें क्या है, 16/2 बोला तो फेब, अगर मैं इधर 30 दिन ऐड करूँगा, 28 का महीना रहता है, राइट, 16/2 बोलेगा तो 18 मार्च जा रहा है, 18 मार्च, 30 दिन ऐड करने के बाद, तो 18 मार्च के पहले मिलेगा इनवॉइस, हाँ 28 फेब को मिल गया, मतलब पहले मिल गया, इसलिए यस लिखेंगे। जब पहले मिल गया तो इन दोनों में छोटा लेंगे, तो इन दोनों में छोटा कौन, 28 तारीख है कि 18 तारीख है, 18 तारीख छोटा है, तो आंसर आएगा 18/2/2023। तो 30 दिन कब ऐड करने का मालूम है क्या, जब सप्लाई ऑफ सर्विस आएगा या प्रोविजन आएगा, 30 दिन ऐड करके कंपेयर करेंगे, पहला हुआ तो यस लिखेंगे तो इन दोनों में उठाएंगे, और लेट हुआ तो नो लिखेंगे, इन दोनों में उठाएंगे। तो एक ये टाइप का सम आता तुमको, और एक दूसरा ना एकदम इजी वाला सम आता, एकदम नकली बोलते हैं ना, नकली। तो आपको ना ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला देखो, इधर है, डेट ऑफ रिमूवल दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, डेट ऑफ पेमेंट दिया है, तो तीनों का ऐसा लिख देने का, एकदम सिंपल, इधर ज़्यादा कुछ नहीं, तीनों में जो छोटा है वो आंसर है, जैसे 15 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, तो 26 आता है कि 18 आता है कि 15 आता है, तो 15 तुम्हारा आंसर हो गया, सिंपल, 15 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, अर्लियर ऑफ ABC, कब, जब रिमूवल आएगा तो, सर्विस आएगा तो 30 दिन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब दूसरा वाला डेट देखो, 15/5/14/5/16/5, तो तीनों में क्या, कौन सी तारीख आएगी, ये, तो ये आंसर हो जाएगा, 1/10/16/10/19/10, तो 1/10 आंसर हो जाएगा, तो इसमें क्या उठाने का था, डायरेक्ट अर्लियर उठाने का, तो ये टाइप का भी सम आ सकता है,
एग्जाम में ये टाइप का भी सम आ सकता है, ठीक है। बाकी के जितने भी सम है मैंने अपलोड कर दिया हो, चेक कर लो, ध्यान दे दो। ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।